हेलो गाइस, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जो आज 18 फरवरी को आया है। पता नहीं क्यों मुझे पेपर देख के ऐसा लग रहा है कि इन्होंने लेवल काफ़ी बढ़ा दिया है। ठीक है, मतलब कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो कॉन्सेप्चुअल हैं। अब लोग कह रहे हैं सर इस टाइप के क्वेश्चन करवा दीजिए, उस टाइप के क्वेश्चन करवा दीजिए। बट देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं करवा तो दूंगा, मेरे पास मतलब समझ लो इतने क्वेश्चन है ना ज्योमेट्री के, ये अगर मैं करवाना शुरू करूँ तो मतलब ये साल ख़त्म हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं ख़त्म होंगे। मेरे पास इतने ज्योमेट्री के क्वेश्चन है, मेरे पास इतने PDF में पड़े हैं, इतने मतलब डॉक्स में पड़े हैं। ठीक है, मतलब मेरे को मेरे पास लैपटॉप मेरा भरा पड़ा है ज्योमेट्री के क्वेश्चन से। ठीक है, मतलब हर टाइप का जो पेपर होते हैं ना, मेरे पास उस टाइप के ज्योमेट्री क्वेश्चन हैं। बट बेसिकली देखो हो क्या रहा है, अब इतना टाइम तो है नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन करवा दूँ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन रिपीट हो भी नहीं रहा है ध्यान से देखो तो। ठीक है, नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ रिपीट नहीं हो रहे हैं, लेकिन बेसिकली जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि आपकी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। और बिलीव मी, जो क्वेश्चन हैं उनमें जो मैंने अभी तक देखा है उसमें या तो सिमिलैरिटी लगी है या पाइथागोरस लगी है। प्रॉब्लम किस में आ रही है, प्रॉब्लम है इंटरप्रिटेशन में। मतलब ये टाइम हमको लग रहा है क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में कि इसमें सिमिलैरिटी कहाँ से लगाएं। मतलब क्वेश्चन देख के समझ में तो आ रहा है कि सिमिलैरिटी लगेगी, लेकिन किस ट्राइंगल में लगेगी, कैसे लगेगी, ये समझ में नहीं आ रहा है। और देखो ये जो अप्रोच होती है ना कि देखते ही तुरंत पहचान लेना कि किस में क्या लगेगा, वो बहुत प्रैक्टिस के बाद आती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब यही क्वेश्चन है तो दो स्टूडेंट का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लो एक ने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी ज्योमेट्री की और एक एकदम बहुत अच्छा है ज्योमेट्री में, तो जो पहला बंदा है वो जो क्वेश्चन को देखेगा वो मतलब कंफ्यूज होगा। ठीक है, मैं भी क्वेश्चन भी बताऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन जो दूसरा बंदा होगा ना, मान लो उसने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, मान लो चलो मेरी बात कर लेते, मैंने बहुत ज्योमेट्री की प्रैक्टिस करी है, बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री मैंने प्रैक्टिस कर रखी है। मैं पहली बार ये क्वेश्चन देखूंगा ना, मेरे दिमाग में पता क्या आएगा, ए ओ बी और सी ओ डी सिमिलर है। मेरे दिमाग में एरिया रेशियो वाली थ्योरम आ जाएगी कि मतलब जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो एरिया का रेशियो होता है वो साइड, मतलब मुझे क्वेश्चन देखने से पहले मुझे क्वेश्चन पता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आएंगी। आगे से ये ध्यान रखना कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस ढंग से मतलब अच्छी बुक से करो। ठीक है, तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में ये दो सर्कल हैं, दोनों सेम रेडियस के हैं। ठीक है, दोनों की रेडियस क्या है, सेम है। और ए बी और सी डी, ठीक है, ये दो लाइन है, आई होप ये पैरेलल होंगी। ठीक है, अदरवाइज़ थोड़ा प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। मेरे हिसाब से ये पैरेलल हैं। ठीक है, तो पैरेलल मान के चलते हैं, ए बी और सी डी पैरेलल हैं। ठीक है, और ये दोनों सर्किल की रेडियस इक्वल है। ठीक है, तो तुमको ए ओ बी और सी ओ डी का एरिया फाइंड करना है। अब देखो क्वेश्चन सोचते कैसे हैं, तुमको किसके एरिया का रेशियो फाइंड करना है, ए ओ बी और सी ओ डी। अब तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि एरिया का रेशियो कब निकलता है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो फार्मूला क्या होता है, साइड के रेशियो का स्क्वायर। तो अगर मैं इनके साइड का रेशियो निकाल लूँ और उसका स्क्वायर कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली देखो क्या है, फिगर कंप्लीट कर लो, सब कुछ ज्वाइन कर लो। तो मैंने रेडियस रेडियस बना ली, अब मेरे साथ साथ फिगर देखना। मान लो रेडियस आर है, क्योंकि दोनों की रेडियस इक्वल है, तो अगर एक की रेडियस स्मॉल आर है तो दूसरी की भी स्मॉल आर होगी। ट्राइंगल सी एम बी देखना, सी एम बी, ठीक है, मेरे साथ साथ देखना वरना कन्फ्यूज हो जाओगे। ट्राइंगल सी एम बी देखो, देखो ये जो रेडियस है आर है और वहाँ जो है वो टू आर, मतलब डायमीटर टू आर है, तो बी एम की वैल्यू कितनी होगी, टू आर बी एम की वैल्यू। तो ध्यान से देखो, ये जो सी एम बी ट्राइंगल है, सी एम बी, इसमें रेशियो कितना है, 1:2 का, आर अपॉन टू आर की वैल्यू क्या हुई, 1:2। तो ट्राइंगल तो ये नीचे भी देखो कितना हो जाएगा, सी एन अपॉन सी एम बी कितना हो जाएगा, 1/2। तो सी एन एन एम के बराबर है, इसका मतलब भाई सी एन अपॉन सी एम की वैल्यू 1/2 है। देखो मेरे साथ साथ पढ़ना वरना कन्फ्यूज हो जाओगे, सी एन अपॉन सी एम की वैल्यू 1/2 है, तो इसका मतलब एन इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी एम। और सेम कॉन्सेप्ट लगाओ ट्राइंगल ए एन डी में, ट्राइंगल ए एन डी में भी आर अपॉन टू आर की वैल्यू 1/2 होगी, तो एम डी अपॉन डी एन, एम डी अपॉन डी एन की वैल्यू होगी 1/2, मतलब एम मिड पॉइंट है। मेरे साथ साथ पढ़ना, एम डी अपॉन डी एन की वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब एम मिड पॉइंट है। तो ये 1 1 1 में डिवाइड हो गया। ठीक है,
अब अगर एम एन वन है तो ए बी भी वन होगा, है कि नहीं? एक रेक्टेंगल बनेगा ना बीच में, अगर एम एन वन है तो सामने वाला भी वन होगा, ठीक है? तो ये रेशियो कितना आ गया, सी डी की वैल्यू कितनी होगी, वन प्लस वन प्लस वन थ्री। सी डी की वैल्यू कितनी हुई, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन थ्री, और सामने वाली की वैल्यू कितनी हुई, वन। तो वन इज टू थ्री, तो आंसर आ गया रेशियो का स्क्वायर। मैंने क्या बोला, एरिया का रेशियो क्या होता है, देखो साइड का रेशियो आ रहा है वन बाई थ्री, तुम्हें किसका एरिया का रेशियो निकालना है, ए ओ बी अपॉन सी ओ डी। तो मैंने बोला ना एरिया का रेशियो क्या होता है, साइड के रेशियो का स्क्वायर। ए ओ बी की साइड है ए बी और सी ओ डी की साइड है सी डी, तो ए ओ बी अपॉन सी डी मतलब ए बी अपॉन सी डी का होल स्क्वायर, ठीक है? मतलब वन बाई थ्री का होल स्क्वायर, दैट इज़ वन बाई नाइन। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है? तो ये था, ठीक है? बेसिकली अभी मुझे समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है कि, बट अगर मैं सामने से ऐसे समझाता जैसे कोई वो